प्यार साथियों, देखिए सवाल उस प्रकार से हमारे सामने कह रहा है कि अब मोटरिस्ट ट्रेवल्स टू अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आर, फिर आगे कह रहा है कि रिटर्न एट 30 किलोमीटर पर आर, फिर हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इन किलोमीटर पर आर इज, हमसे पूछ ही रहा है एक मोटरसाइकिल सवार है जो कि 150 किलोमीटर जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एवरेज स्पीड है। फिर उसके बाद उसने बोला कि वो वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो अब हमसे पूछ रहा है कि हिज एवरेज स्पीड बताओ, पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। सर हमें पता है दोनों बार डिस्टेंस वो सेम चल रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब वो जा रहा था तो टाइम मान लेते हैं T1, तो T1 लगा होगा यानी कितना, वो था आपका 150 अपॉन 50 विच इज़ इक्वल्स टू 3 आवर्स, ठीक है। अब टाइम T2, जब वो रिटर्न आया तो भी 150 किलोमीटर ही चलाया वो, लेकिन इस बार स्पीड थी 30, तो लगा 5 आवर्स। तो टोटल जर्नी में टाइम कितना लगा उसको, 8 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना लगा, 8 आवर्स का लगा। और टोटल डिस्टेंस कितनी थी सर, 300 चला वो, 300 किलोमीटर। तो यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। जो कि हमारी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, 300 अपॉन 8 अगर मैं करूँगा तो कुछ तरीके से कटेगा, 8 3 24, यहाँ से 6 इधर जाएगा, 8 7 56, 4 पॉइंट लगाया 0, 8 5 40, तो कुछ तरीके से कट गया 8 से, तो 37.5 किलोमीटर पर आर हमारा क्या हो जाएगा सर, एवरेज स्पीड हो जाएगी होल जर्नी में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले टाइम टेबल निकाला था, फॉर्मूला यूज़ करा है हमने, ये होता है आपका स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और अगर हम टाइम में इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये दोनों ही फॉर्मूले मैंने यूज़ करे हैं यहाँ पर, उसके अलावा कुछ और यूज़ नहीं करा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।